हेलो एवरीवन सो टूडेज़ लेक्चर इज अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ओरिजिन ऑफ रेसिस्टिविटी ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है ड्रिफ्ट का मतलब अगर देखा जाए तो होता है फ्लोट फ्लोट करना यानी कि जब इलेक्ट्रॉन्स अपने मोशन में आ जाते हैं प्रॉपर यानी कि वो फ्लोट करते हैं एक तरह से तो उनकी जो विलासिटी होगी यानी कि उनकी जो एवरेज विलॉसिटी हम निकालेंगे वही आपकी ड्रिफ्ट विलॉसिटी होगी सो so, इसके लिए दो केसेस हम ले लेते हैं फर्स्ट केस इज़ व्हेन देर इज़ नो इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर आप कहें कि व्हेन देर इज़ नो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर जो कंडक्टर आपने ले रखा है वहाँ उसके अक्रॉस आपने कोई भी बाहर से पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया तो दैट मीन्स अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो आपकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर के अराउंड भी नहीं होगी तो ऐसा तो नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे अभी भी इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो क्या हो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे अभी भी वो थोड़ा मूव कर रहे होंगे बट डिफरेंस आपका क्या है कि अभी जो वो मूव कर रहे होगे वो रैंडम डायरेक्शन में मूव करोगे सपोज ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है अगला उधर मूव कर रहा होगा यानी कि रैंडम ऑल डायरेक्शन में रैंडम डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें मूव कर रहे होगे बाहर से कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगा है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगी है इसकी वजह से क्या होगा कि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको प्रॉपर आपका कोई एक डायरेक्शन नहीं मिलेगी फ्लो करने के लिए तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कैंसल uh, तो आउट हो जाती है तो यानी कि जब आपका कोई पोटेंशियल कंडक्टर नहीं है या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है उस केस में जो विलॉसिटी होती है एवरेज विलॉसिटी होती है वो उनकी यहाँ पर जीरो हो जाती है ये आपको पता होना चाहिए वो हम आगे भी देखेंगे बट आप यहाँ लिख लो इन दिस केस जो आपकी इनकी देखो ये

होगी वो इस केस में क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी किस केस में जब हमने कौन से इलेक्ट्रॉन्स कौन से कंडक्टर्स लिए हैं जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपका नहीं है और ऐसे क्यों होता है क्योंकि रैंडम मोशन की वजह से आपको पता है जो विलासिटी होती है वो क्या होती है वैक्टर क्वान्टिटी होती है और इसके रैंडम मोशन होने की वजह से डायरेक्शन इज रैंडम सो रैंडम इसकी वजह से क्या हो जाएगा जो आपका नेट एवरेज वेलोसिटी है वो आपकी इस केस में ज़ीरो हो जाएगी और दूसरा केस देख लेते हैं दूसरे केस में हमारा क्या है एक कंडक्टर है उसके अक्रॉस बाहर से हमने उसे पोटेंशियल दे दिया यानी कि इसके दो एंड्स पे आपने पोटेंशियल दे रखा है फर्स्ट इज योर पॉजिटिव पोटेंशियल एंड सेकेंड इज योर नेगेटिव पोटेंशियल अब इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स हो गए जैसे ये इलेक्ट्रॉन है अगर इसी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये क्या करेगा v1 वेलोसिटी से सपोज ये आगे को चलेगा ओके आगे को चलेगा और इसकी वेलोसिटी सपोज v1 हुई तो इसने टाइम कितना लिया इसने टाइम t1 लिया यहां तक पहुँचने के लिए अब यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ पर एक ही एक और इलेक्ट्रॉन होगा या फिर कुछ एटम होगा यहाँ पर तो उसके साथ यहाँ पर इसका कोलिजन होगा यानि कि इलेक्ट्रॉन चल रहा है यहाँ से और यहाँ पर इसका टकराव यानी कि कोलिजन हो जाएगा अब कोलिजन के बाद क्या है फिर से इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई फिर से ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल करने लगेगा विथ सम विलोसिटी वी और अब जो टाइम लेगा ये यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए वो टी टू होगा और ट्रैवल करता हुआ करता हुआ ये आगे आ गया और इस पॉइंट पे फिर से इसने कोलिजन कर दिया और कोलिजन के बाद फिर से इसकी डायरेक्शन इधर को चेंज हो गई फिर वो वी थ्री विलासिटी एंड टी थ्री टाइम अपना लेगा फिर ऐसे करते करते इसमें भी क्या होता है अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है दोनों में भी आपका इधर भी आपका कोलीजन्स हो रहे हैं इधर भी कोलीजन्स हो रहे हैं बट डिफरेंस ये है कोलिजन के बावजूद भी रेंडमनेस के बावजूद भी जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको एक पाथ मिल गया है फ्लो करने के लिए यानी कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल गई है कि कहाँ को फ्लो करना है इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं और आपने पोटेंशियल डिफरेंस दिया है पॉजिटिव एंड नेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ को जाना पसंद करेंगे जहां पर पोटेंशियल पॉजिटिव होगा यानी कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगी इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में करेगी टूवर्ड्स द पॉजिटिव पोटेंशियल और आपको पता होना चाहिए कि अगर बाहर से आप पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हो तो इस कंडक्टर के अक्रॉस आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी फ्रॉम द डायरेक्शन पॉजिटिव टू द नेगेटिव सो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अक्रॉस इस तरह से हो गई तो हम देख सकते हैं जो आपके इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट की डायरेक्शन है वो टोटली totally ऑपोजिट है टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आगे को जा रही है और आपका इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो आपका पीछे को जा रहा है तो ये बात आपको याद रखनी है तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग स्टेज पे बिकॉज ऑफ द कोलिजन वो क्या कर रहा है अलग अलग यहाँ पर टाइम ले रहा है यहाँ पर इसने टी वन टाइम लिया यहाँ पर टी टू टाइम लिया बिफोर कोलिजन देखो अभी कोलिजन नहीं हुआ था नेक्स्ट कोलिजन से पहले इसने टी वन टाइम आराम से ये फ्लो करने में काटा और उसके बाद फिर से फर्स्ट कोलिजन हो गया सेकेंड कोलिजन से पहले यानी कि दो कोलिजन के बीच का जो टाइम इसने काटा वो कितना काटा वो कितना स्पेंड करा वो टी टू करा यहाँ पर फिर टी थ्री करा टी फोर करा इस तरह से अब क्या होता है इनकी क्या हो जाएगी आपकी इनके अलग अलग विलॉसिस होगी तो हम क्या कर देते हैं हम ना इनकी प्रॉपर जो ये मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन वो किस विटी से मूव कर रहा है हम प्रॉपर प्र, एक तो कोई विलोसिटी हमें नहीं नजर आ रही क्योंकि यहाँ पर वी वन है वी टू है वी थ्री वी फोर वी फाइव है ठीक है सो ऑन है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे जो ये सारी विलोसिटीज आपको नजर आ रही है इनका हम एक एवरेज ले लेंगे ले वही एवरेज जो आप विलासिटी यहाँ देखें

यहाँ पर पॉजिटिव टू द नेगेटिव डायरेक्शन करंट भी फ्लो करेगा और यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी भी इनकी जीरो नहीं रहेगी बल्कि वो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी वो एवरेज वेलोसिटी हम लिख सकते हैं क्या हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ठीक है ड्रिफ्ट विलॉसिटी आपकी ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी नाउ हम बोल सकते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसको रिप्रेजेंट करा जाता है वी डी से ओके okay, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअल में क्या हुई इस डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर गेट ड्रिफ्टेड टूवर्ड पॉजिटिव एंड यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऐसी वेलोसिटी है एक तरह की क्या है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़ अ एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी है विद विच जिस वेलोसिटी जिस एवरेज वेलोसिटी से जो सभी इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है वो फ्लो कर रहे हैं इन कंडक्टर कहाँ को ड्रिफ्ट कर रहे हैं या फ्लो कर रहे हैं कहाँ को टूवर्ड द पॉजिटिव तो ये देखो जो ये इलेक्ट्रॉन्स है सारे वो कहाँ को ड्रिफ्ट कर रहे हैं टूवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द पोटेंशियल when the potential is applied across the ends of conductor और ये तभी बात होगी अगर आप बाहर से potential को लगाते हो अगर ये नहीं होता है तो उसकी कोई average velocity zero रहती है अगर ये आपने potential लगा दिया तो वो वही जो average velocity सबकी निकाल के आएगी वही आपकी drift velocity कहला, कहलाती है सो so, आपको यहाँ तक तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ आ गई होगी अब बात करते हैं इसकी डेरिवेशन की अब यहाँ पर क्या होगा सपोज़ हमने क्या कर दिया कि एन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ले लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि मूव कर रहे हैं इस कंडक्टर में सो so, हमने क्या बोला यहाँ पर एन नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी वेलोसिटीज क्या होगी उनकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटीज क्या होगी जब आपका पोटेंशियल क्या है पोटेंशियल जब आपने अप्लाई नहीं कराया ये वाला सिनेरियो जब आपने पोटेंशियल अप्लाई नहीं करा है तो उनकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी एवरेज नहीं सॉरी उनकी इंडिविजुअल जो वेलोसिटीज होगी उनको हमने रिप्रेजेंट कर दी यू के साइन से यानी कि यू वन यू टू यू थ्री अपू यू एन आपका हो गया यानी कि एन नंबर ऑफ आपके पास क्या है यहाँ पे एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ पर क्या करोगे आपको क्या निकालना है आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आप क्या करोगे यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी आप लिखोगे यू एवरेज यानि कि ये जो आपकी एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे जो इंडिविजुअल वेलोसिटीज़ है यानि कि जो इंडिविजुअल आपकी ये वेलोसिटीज़ है उसको क्या कर दोगे उसका एवरेज ले लोगे सो so, आप एवरेज किस तरह से लोगे एवरेज कैसे लेते हो जो आपकी इंडिविजुअल वेलोसिटीज होती है अब इसको यू क्यों दिया यू इसलिए दिया क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी है इनिशियल कंडीशन कौन सी है जब आपका कोई भी पोटेंशियल नहीं अप्लाई हुआ था तो यहाँ पर क्या करोगे इंडिविजुअल जो आपकी विलासिटीज़ है उसका आप डायरेक्टली सम ले लोगे आप यहाँ पर सम ले लोगे और उसको डिवाइड किससे करोगे और उसको डिवाइड करोगे कि, कि कितने नंबर ऑफ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेट आपने करा एन है कैपिटल एन तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जो ये वाली पूरी चीज़ है वो आपकी ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि आपको पता है यू एवरेज जो होती है वो आपकी जीरो होती है क्योंकि रैंडम मोशन है और आपकी जो विलोसिटीज है उनकी डायरेक्शन होती है और वो डायरेक्शन क्या है वो कैंसिल आउट हो जाएगी जब आप उसका वैक्टरसम निकालने लगोगे सो so यहाँ पर आपने देखा कि जो यू एवरेज है उसकी वैल्यू आप कैसे लिख सकते हो ये n है इसको मैंने बाहर लिख लिया वन अपॉन एन करके और हम क्या करेंगे स्मेशन करेंगे ये प्लस में है तो हम इसका क्या करेंगे स्मेशन कर देंगे और इसमें i इज़ इक्वल टू वन से लेके एन कैपिटल एन तक लेके और यू की वैल्यू क्या हो जाएगी यू और इसमें क्या है वन टू थ्री अप टू एन है तो आप यहाँ पर यू आई लिखोगे तो ये आपका हो गया और इसकी वैल्यू जो एवरेज आपकी वेलोसिटी है इसकी उसकी वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल टू ज़ीरो ओके तो यानी कि जो यू एवरेज है उसकी वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी उसकी वैल्यू आपकी ज़ीरो हो जाएगी और ऐसा क्यों है इसका रीज़न भी है आप लिखोगे एज एज द मोशन as the motion of electron of electron is random is random so initial so initial average velocity velocity is equal to is 0. इसी वजह से आपकी इनिशियल जो वेलोसिटी है वो आपकी जीरो है इनिशियल एवरेज वेलोसिटी क्योंकि वो हर डायरेक्शन में है हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स की रैंडम मोशन है और आपको पता है जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है यानी कि इसमें डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर डायरेक्शन ही उनकी रैंडम है और आपस में कैंसिल आउट हो रही है तो टोटल यानी कि एवरेज जो आप निकालोगे इसका वो हमेशा आपका ज़ीरो आने वाला है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर ये तो हमने चीज़ निकाल दी ये चीज़ आपको आगे लगेगी कि यू एवरेज इज इक्वल टू जीरो नाउ अगर यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर हमने क्या किया अगर यहाँ पर हमने पोटेंशियल लगाया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रही है इन इलेक्ट्रॉन्स पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे लग रही है तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लगने की वजह से इलेक्ट्रॉन पे थोड़ी फोर्स लगेगी और फोर्स कहाँ लगेगी ये फ़ोर्स इधर को लगेगी इस डायरेक्शन में लगेगी क्यों बिकॉज यहाँ पर पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है नेगेटिव जाना जा रहा है इस डायरेक्शन में तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो आपका इलेक्ट्रॉन है उस पर सम सॉर्ट ऑफ फोर्स लग उसको वो फोर्स कर रहा है कि इधर को मूव करने के लिए तो वही हम फोर्स तो e, e अब देखो यहाँ पर यह जो है, वो क्या सिग्निफाई कर रहा है कि वो जो फोर्स लग रही है इलेक्ट्रॉन पर वो किस डायरेक्शन में है वो इन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी कि जो फोर्स लग रही है इलेक्ट्रॉन पर और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो आपस में ऑपोजिट है इसीलिए नेगेटिव साइन आपका लगाया है ऑल्सो एक ये इक्वेशन हो गई ऑल्सो हमें पता है ऑल्सो वी नो दैट कि जो फोर्स का फॉर्मूला होता है एक और वो कितना होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सल्रेशन तो मास इंटू एक्सलेशन ये आपने सेकेंड कर दिया तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप लिख सकते हो फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को दोनों को आप क्या करोगे कंपेयर करोगे फोर्स ये है तो दोनों क्या हो जाएगी इक्वेट हो जाएगी तो दैट मीन्स एम ए इज इक्वल टू इतना हो जाएगा एम ए इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा माइनस ई e और इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ओके okay? इस तरह से न जो एक्सेलरेशन है रीअरेंज करके एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी एक्सेलरेशन इज योर इज इक्वल टू माइनस ई और कैपिटल ई e, और डिवाइड में आपका क्या आ जाएगा डिवाइड में आपका एम आ जाएगा यानी कि आपके पास एक्सेलरेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अभी निकल चुकी है जिसका आपका यूज़ आगे होने वाला है नाउ अब इसमें एक बात कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले एक एक और बात कर लेते हैं कि आपका चलो यहीं पे लिख लेते हैं आपको पता होगा कि आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है एक इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे यूज़ होगी हमारी जैसे v इज़ इक्वल टू u प्लस ए और ये जो v है आपका ये क्या है ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी रहती है ये एक्सेलरेशन है और ये आपका टाइम है अब यहाँ पे बात क्या हो रही है यहाँ पे टाइम जो है वो यहाँ पर स्मॉल टी नहीं रहेगा यहाँ पे अलग हो जाएगा टॉ हो जाएगा यानी कि यहाँ पर एक अलग ही टाइम आएगा जो कि होता है रिलैक्सेशन टाइम अब ये रिलैक्सेशन टाइम एक्चुअल में क्या है तो यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम क्या है इट इज़ द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर वैन करंट फ्लो थ्रू इट यानी कि जब कंडक्टर आपने रखा है उससे करंट फ्लो कर रहा है यानी कि आपका ये सीनारियो तो दो सक्सेसिव को सक्सेसिव क्या होता है बिल्कुल एक के बाद एक जो चीज़ हो रही होती है यानी कि अगर आप ये मानो कि एक कोलिजन आपका यहाँ हुआ ध्यान से देखना है। एक कोलिजन आपका इलेक्ट्रॉन ने यहाँ करा दूसरा कोलिजन इलेक्ट्रॉन ने आपका यहाँ करा तो इन सक्सेसिव कोलिजन के बीच में उससे कितना टाइम स्पेंड किया वो टाइम होता है आपका रिलैक्सेशन टाइम यानी कि कितना टाइम वो रिलैक्स रहा तो वो होता है यानी कि टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है इंटरवल वो कहलाता है उसका रिलैक्सेशन टाइम अब ये रिलैक्सेशन टाइम क्या है एक एवरेज टाइम है जैसे कि हमने इन सब की जो आपकी वेलोसिटी निकाली है वो आपकी एवरेज वेलोसिटी निकाली है उसी तरह से यहाँ जो ये टाइम ले रहा है जैसे यहाँ पर टी वन लिया टी टू टी थ्री टी फोर टी तो ये आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें जो टाइम है वो सारे डिफरेंट है तो हमारे पास कोई एक टाइम इनका नहीं मिल सकता इसीलिए हमने क्या करा हमने सोचा है जो ये टाइम है इनका हम क्या ले, ले लेते हैं इनका हम एवरेज कर लेते हैं एवरेज टाइम निकाल लेते हैं सो दिस एवरेज टाइम इज योर रिलैक्सेशन टाइम यानी कि सभी जो टाइम्स हैं उनका एवरेज करोगे तो आपको रिलैक्सेशन टाइम आ जाएगा जिसे कि आप किससे रेप्रजेंट करते हो जिसे कि आप टॉस से रेप्रजेंट करते हो ठीक है टॉ तो से रेप्रजेंट करते हो सो so, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पर हम लिखेंगे कि v इज़ इक्वल टू यू प्लस अगर एटी है तो यहाँ पर जो विलासिटी है वो भी एक नहीं हो सकती विलासिटी हमें एवरेज लेनी पड़ेगी फाइनल इनिशियल भी हमें एवरेज लेनी पड़ेगी और एक्सेलरेशन ऐसे ही रहेगा और जो टाइम है एवरेज टाइम हमें लेना पड़ेगा जो एवरेज टाइम क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम होता है सो so, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये हमें थोड़े मॉडिफाई करके कैसे लिखे सिर्फ सबके साथ आप एवरेज लगाओगे सो यहाँ पर कितना आ गया आपके पास जो आपका वी है जो आपका वी है फाइनल वेलोसिटी उसका भी आपको एवरेज लेना है और जो इनिशियल है उसका भी आपको एवरेज लेना है और साथ ही एक्सेलरेशन तो ऐसे आ जाएगी एक्सेलरेशन इसी तरह से आएगी और जो टाइम होगा यहाँ पर वो अब नॉर्मल सा टाइम नहीं होगा वो आपका क्या होगा रिलैक्सेशन टाइम दिस इज़ योर रिलैक्सेशन टाइम और यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम है ये क्या है ये आपका एक एवरेज टाइम है डन अब यहाँ पर क्या होता है जो आपकी वी नो दैट कि आपका जो आपकी जो यहाँ पर यू एवरेज है यू एवरेज है यानी कि इनिशियल जो आपकी वेलोसिटी है वो कितना है वो आपकी जीरो है इनिशियल वेलोसिटी का मतलब जो इनिशियल स्टेज पे वेलोसिटी है जब आपका करंट नहीं था तो आपकी वेलोसिटी क्या थी एवरेज जीरो आ गई थी वो हमने ऊपर भी प्रूव करा है तो आपके पास वी एवरेज कितना आ गया वी एवरेज यानी कि फाइनल जो वेलोसिटी आएगी जो कि आपकी क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही है वो यहाँ पर जीरो पुट करोगे प्लस यहाँ पर एक्सेलरेशन और यहाँ पर टॉप पुट करोगे अब यहाँ पर जो एवरेज वेलोसिटी है उसी को आप क्या लिख सकते हो दिस एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो आप यहाँ पे लिख सकते हो वी टी ठीक है दिस इज यो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू नाउ ये जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू आप यहाँ से पुट कर सकते हो क्या है एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस ई ई अपॉन एम आई थी तो यहाँ पर पुट करोगे माइनस ई ई और अपॉन में एम पुट करोगे और साथ में आपके पास क्या हो जाएगा टॉ हो जाएगा तो ये जो आपके पास निकल के आया है ये फार्मूला दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला क्योंकि ये ड्रिफ्ट विलोसिटी क्योंकि ये ड्रिफ्ट विलॉसिटी और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रिलैक्सेशन टाइम का फार्मूला है वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फार्मूला फर्स्ट फार्मूला आपके पास आ गया है ऑल्सो अगर हम बात करें ऑल्सो अगर हम बात करें अबाउट द रिलैक्सेशन टाइम यानी कि टॉक के बारे में तो आपको पता होना चाहिए किस पे डिपेंड करता है तो आपका जो रिलैक्सेशन टाइम है दैट इज़ योर टॉ दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर यानी कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे आपकी रिलैक्सेशन टाइम जो है वो आपकी डिक्रीज़ करेगी ऐसा क्यों देखो टाइम आपने इंक्रीज़ करा तो टाइम सॉरी टेम्परेचर आपने इंक्रीज़ करा टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स है अभी मूव कर रहे हैं और कोलाइड कर रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट अब क्या हो जाएगी थोड़ी फास्ट हो जाएगी यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगी और यहाँ कोलाइड करेगी यहाँ से जाएगी फिर यहाँ कोलाइड करेंगे इस तरह से ये सारे को लाइट करते रहेंगे, बट टेम्परेचर इंक्रीज करने से इनका जो मोशन है वो ज़्यादा होगा यानी कि इनकी जो आ, आपका ये टकराएंगे वो जल्दी टकराएगी यानी कि कोलिजन जो होगा वो वेरी फास्ट होगा इतना टाइम नहीं लेगा तो यानी कि अगर ये फर्स्ट कोलिजन हुआ तो जो ये सेकेंड कोलिजन होना है अब वो बड़ा ही तेज़ी से होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई है स्पीड ज़्यादा हो गई है किसकी वजह से क्योंकि बाहर से आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया है तो यानी कि बोला जाए कि ये कोलिजन आपके बहुत फास्ट होने लगेंगे जब कोलिजन आपके फास्ट होने लगेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो इनके बीच का दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का रिलैक्सेशन टाइम है वो अल्टीमेटली आपका क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर आपका अगर आपका एस टेम्परेचर अगर अगर आपका इंक्रीज करेगा सो तो आपका जो कोलिजन है कोलिजन है वो भी आपका क्या करेगा वो भी आपका इंक्रीज करेगा एंड उसकी वजह से कोलिजन जब फास्ट हो रहे हैं तो जो रिलैक्सेशन टाइम है जो आपका टॉ है वो आपका क्या हो जाएगा वो आपका डिक्रीज करेगा इसी वजह से टेम्परेचर ज़्यादा दोगे रिलैक्सेशन टाइम हमेशा आपका कम रहने वाला है नाउ अब हम और एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे हम अब करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन डिराइव करने लगे हैं सो so, आपको पता होना चाहिए वीडी सिंबल होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का और ई e क्या होता है ई e होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है वो रिप्रेजेंट करा जाता है ई e से e नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रॉन होता सिंपल ई e है तो इसका मतलब वो चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन है ए क्या होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा लेंथ क्या हो होल क्या हो जाएगी लेंथ ऑफ कंडक्टर यानी कि वो कंडक्टर जो है वो कितना लंबा है वो उसकी लेंथ हो जाएगी और आपका जो एन है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो आपका ये एन है एन क्या होता है नॉट जस्ट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बस क्या होगा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है बट पर यूनिट एरिया है यानी कि एक पर यूनिट वॉल्यूम है एक यूनिट वॉल्यूम में आपके कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो आपका एन होता।, okay? so होता है क्या चार्ज अपॉन टाइम होता है चार्ज अपॉन टाइम होता है आपका नाउ इसमें इस चीजें डालने से पहले हम क्या देखेंगे हम एक चीज निकालेंगे यहां से टोटल वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या होगा टोटल वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कंडक्टर टोटल वॉल्यूम ऑफ़ कंडक्टर आपका कितना हो जाएगा देखो यहाँ पर आपका कंडक्टर है इस तरह से ठीक है जिसे हमने बाहर से एक्सटर्नल पोटेंशियल दिया है तभी यहाँ पर चीज़ें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर इसकी ये लेंथ इतनी है एल लेंथ है और एरिया ऑफ जो क्रॉस सेक्शन है आपका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया है वो आपने क्या लिया है ए लिया है या फिर इसका पूरा जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए है तो इसका वॉल्यूम क्या होता है बिंग सिलेंडर तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा जितना इसका एरिया है और मल्टीप्लाई करो उसकी लेंथ से तो वो आपका क्या हो जाएगा एरिया इनटू लेंथ हमेशा क्या होता है वॉल्यूम होता है हमेशा एरिया को अगर लेंथ से मल्टीप्लाई करा जाता है वो हमेशा वॉल्यूम बनता है अब हम ऐसे क्यों कर रहे हैं आपको पता चलेगा अगर हम हमें अब टोटल नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो नाउ हमें क्या निकालना है टोटल टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर इन कंडक्टर यानी कि हमें क्या निकालना हमें टोटल नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं. हमारे पास ऑलरेडी क्या है नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है पर वो पर यूनिट वॉल्यूम में है ओके okay? पर वो पर यूनिट वॉल्यूम में है तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि जो ये एन था अगर मैं इसको यहाँ पर लिख दूँ मैंने सिर्फ एन लिख लिया अगर मैं इन में एन क्या है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स तो है इसमें पर डिवाइड में क्या है पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब डिवाइड में उसके वॉल्यूम है तो आपको पता है जो ये एन है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो टोटल इलेक्ट्रो क्ट्रॉन्स तो आपको मिल जाएंगे पर इसके डिवाइड में आपका वॉल्यूम है तो उसको वॉल्यूम को कैंसिल आउट करने के लिए अगर मैं वॉल्यूम से ही इसको मल्टीप्लाई कर दूं यानी कि वॉल्यूम क्या है आपका ए एल यानी कि वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा आपके पास टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे क्योंकि एन क्या है एन है अगर एन देखो एन आपके पास क्या है एन है टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है ओके okay? तो अगर मैं इसी एन में जिसकी की वैल्यू ये है इसी में अगर मैं इनटू करके वॉल्यूम कर दूं तो वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा आपको क्या मिल जाएगी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगी वही मैंने यहाँ किया जो एन है एन में सिर्फ वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दिए तो आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर प्रोवाइड हो जाएंगे नाओ उसके बाद हम ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं हम ये कहानी क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें क्यों यानी कि चार्ज निकालना है सो so, आपका जो टोटल चार्ज आ जाएगा नाउ द टोटल चार्ज टोटल जो आपका चार्ज हो जाएगा दैट इज़ योर क्यू उसकी वैल्यू कितनी होती है देखो चार्ज इज़ इक्वल टू हमेशा एन ई होता है देखो चार्ज का मतलब क्या है चार्ज किस वजह से आ रहा है जो आपके चार्ज कैरियर्स है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स है उनकी वजह से आ रहा है तो चार्ज हमेशा क्या होता है चार्ज हमेशा क्या होता है कि टोटल टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर लो कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके कितने हैं इनटू क्या कर लो इन क्या कर लो जो आपका E है यानी कि E क्या था चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन था उससे इसको मल्टीप्लाई कर लो यानी कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ले लो और उससे मल्टीप्लाई क्या कर लो कि जो एक इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज कितना है तो आपने वो E कर दिया ठीक है तो यहाँ पर आपने E कर लिया इस तरह से आपके पास क्या आ गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे टोटल नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके पास थे एन ए एल तो यानी कि जो चार्ज आपके पास आया जो क्यू की वैल्यू आई वो कितनी आई टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहां से पुट कर लो एन AL हो जाएगा आपके टोटल नंबर ऑफ क्या है? टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इनटू आप यहाँ पर क्या करोगे ई कर दोगे तो यानी कि जो चार्ज है ई ऑलरेडी था तो यानी कि चार्ज है वो आपका यहां से निकल गया और हम ये यह कोशिश यही कर रहे हैं कि आपका यहां पर क्या कर रहे हैं कि चार्ज निकालने की ठीक है चार्ज निकालने की क्योंकि टाइम से डिवाइड करोगे तो आपको करंट मिल ही जाना है तो यहां से आपने क्या देखा आपके पास चार्ज की वैल्यू आपके यहाँ आ चुकी है तो हम इसको पुट करेंगे इसको पुट करेंगे पुटिंग पुटिंग दिस वैल्यू दिस वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन कर लो इन इक्वेशन फर्स्ट तो उसके बाद आपके पास कितना आ जाएगा जो करंट है आई इज इक्वल टू आपका जो चार्ज है वो आप यहाँ पर पुट कर लोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी N A L E एन ए एल आ गई ई e आ गया और डिवाइड में क्या करोगे डिवाइड में आप टाइम डिवाइड कर दोगे ओके टाइम डिवाइड करोगे नाउ अब इसके बाद क्या चीज़ें हैं यहाँ पर ऑल्सो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए यहाँ से यहाँ से इसको सेपरेट कर लेते हैं ऑल्सो वी शुड नो कि हमने क्या करना है हमने खाली आपका करंट का जो एक्सप्रेशन है वो तो नहीं निकालना हमने क्या देखना है कि आपका जो करंट है वो वी डी में आए ठीक है यानी कि ड्रिफ्ट विलासिटी में आए वी नो दैट जो ऑल्सो जो वी डी है ड्रिफ्ट विलासिटी एक्चुअल में विलासिटी क्या होती है डिसप्लेसमेंट अपॉन टाइम ठीक है डिसप्लेसमेंट यानी कि उसने कितना डिस्टेंस विद डायरेक्शन क्या क्या कवर करा तो अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर मूव कर रहे थे तो इसने जो आपकी पूरे सिलेंडर की जो लेंथ है वो कितनी थी वो एल थी तो क्या हम बोल सकते हैं कि इन्होंने एल डिस्प्लेसमेंट कवर करा तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन जो टाइम है तो उसके बाद इसके बाद आपका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी एल और उसके बाद टाइम जो है वो आपका टी हो जाएगा तो इसका मतलब जो एल अपॉन टी है उसको वी टी आप लिख सकते हो तो एल अपॉन जो आपका टी है उसको आप क्या लिख सकते हो उसको वी टी लिख सकते हो तो इसी वजह से सो so आपका क्या आ जाएगा आई की जो वैल्यू है उसमें आप वी डी इंट्रोड्यूस करोगे और वो क्या आ जाएगा वो आपका एन ए आ जाएगा एन ए तो रहे, रहेगा साथ में वी डी आएगा साथ में जो चार्ज है वो आएगा ई e. सो दैट मीन्स आपने यानी कि देखा जाए तो आपने आई का फॉर्मूला निकाल दिया इसको रीअरेंज करके मैं एन ई e साथ में लिख लेती हूँ और ए और वी डी कर लेते हैं तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसमें कि आपका जो करंट है उसका जो एक्सप्रेशन है वो किसके साथ है आपका वी डी के साथ है यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ है दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट सो दूसरा रिज़ल्ट यहाँ निकल चुका है फिर एक और रिज़ल्ट हम अभी करते हैं वो होता है आपका करंट डेंसिटी पहले भी आप पढ़ चुके हो दिस इज़ योर करंट डेंसिटी दूसरा आपका क्या हो जाएगा करंट करंट डेंसिटी करंट डेंसिटी जो होता है उसका सिंबल जो है वो होता है जे और करंट डेंसिटी एक्चुअल में होता क्या है अभी तो सबको पता होना चाहिए करंट डेंसिटी के लिए आपने डिवाइडेड बाय एरिया कर दिया आई अपॉन ए कर दिया सो so यहाँ पर आई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं और उसको ए से डिवाइड करना है सो so यहाँ इसके लिए क्या हो जाएगा जो जे है करंट डेंसिटी है उसकी वैल्यू यहाँ पर जो आई है वो पुट कर लो आई की वैल्यू एन ई ए और वी डी हो जाएगी वी डी डिवाइडेड बाई ए करोगे ए आपका कैंसिल आउट हो जाएगा जो जे है आपका डे की वैल्यू है आपकी वो कितनी रहेगी अब उसकी वैल्यू में आप यहाँ पे एन ई e तो है और साथ में वी डी है मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ एन ई है और साथ में वी डी है अब जो आपकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू थी स्टार्टिंग में ई अपॉन एम करके वी डी की वैल्यू हमारी क्या थी माइनस ई ई माइनस ई ई अपॉन एम टॉ अब यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे माइनस साइन आपको नहीं लेना सिर्फ माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन बताता है सो so आपको वी डी की वैल्यू ये वाली पुट करनी है तो जे की वैल्यू कितनी होगी इज इक्वल टू एन ई तो रहा आपका जो वी डी है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ई e, e, और साथ में टॉ हो जाएगा डिवाइडेड बाय एम आपने वी डी की वैल्यू इतनी डाल दी और यहाँ पर आप देख सकते हैं उसको रीअरेंज करके कैसे आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप बाहर ले लोगे जे इज इक्वल टू एन ई ठीक है ई ई क्या हो जाएगा ई स्क्वायर और टॉ आप इसके साथ ले लो और टॉ साथ में ले लो डिवाइडेड बाई आपका कितना हो जाएगा एम हो जाएगा और यहाँ पर आपकी कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी सो यहाँ आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ के जो ये वाली चीज़ है ये वाली चीज़ कुछ बनने वाली है आपके पास अगर आपने पढ़ा हो ऑल्सो आपने एक और ओम्स लॉ का एक्सप्रेशन पढ़ा था वो क्या पढ़ा था जो करंट डेंसिटी होती है वो सिग्मा इन ई होती है और सिग्मा क्या होता था कंडक्टिविटी होती थी सो so, अगर दोनों को कंपेयर करा जाए तो आपका जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ के जो पोर्शन है वो आपका सिग्मा हो जाएगा सो so, आपका क्या हुआ कि जो सिग्मा है सिग्मा की जो वैल्यू है वो कितनी होगी आपकी एन ई स्क्वायर टो अपॉन टो अपॉन एम होगा ओके okay, तो यानी कि आपका जो कंडक्टिविटी है उसकी वैल्यू आपकी इतनी आ गई ठीक है उसकी वैल्यू इतनी आ गई तो यानी कि जो करंट डेंसिटी है वो आपका यहाँ पर इसकी इसकी हेल्प से हमने देखा जो सिग्मा है वो आपका इतना है और यहाँ पर क्या है आई की वैल्यू आपने इन द फॉर्म ऑफ वी डी भी निकाल रखी है तो इतना आपको यहाँ यहाँ तक आपका क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में जितना भी एन सी आर टी में था जो भी आपको करना है वो सारा इसमें करवाया गया है थैंक यू सो मच